हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एट कंपेरिंग क्वांटिटीज ओपन योर टेक्सट बुक पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव रेशियोस एंड रेशियोज टू परसेंट समटाइम्स पार्ट्स आर गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज एंड वी नीड टू कन्वर्ट दोसेंटेज मतलब रेशियो में होता है हमें परसेंटेज में कोई भी टाइम कन्वर्ट uh, करना पड़ता है कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्पल फोर्टीन रीनास मदर शेड टू मेक इडलीस यू मस्ट टेक टू पार्ट्स राइस एंड वन पार्ट उलद दाल उसने माता ने कहा मेक इडली बनाने के लिए टू पार्ट्स राइस लेना है और वन पार्ट्स उलद दाल लेना है वोट परसेंटेज सो सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड वोट परसेंटेज वुड बी उड़दार तो कितना परसेंटेज राइस का होगा और उड़दार का होगा तो इन आइटम्स ऑफ रेशियो रेशियो में कैसे होगा वी वुड राइट दिस एज रेशियो इज टू सॉरी राइज इज टू उड़दार मतलब टू इज टू वन टू राइज है और वन उड़दार है टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है इज द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स में से दिस मीन्स टू अपॉन थ्री पार्ट्स इज़ राइस एंड वन अपॉन थ्री पार्ट्स इज उलध दाल अपॉन में टोटल लिख लिया डेनोमीटर में द परसेंटेज ऑफ राइस वुड बी परसेंटेज ऑफ राइस का तो उसका कितना पार्ट है टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई कितना करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हंड्रेड इज इक्वल टू टू हंड्रेड अपॉन थ्री अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सिक्सटी थी सिक्स टू थ्री परसेंटेज अब परसेंटेज ऑफ उलध दाल का वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू वन हंड्रेड अपॉन थ्री उसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा थर्टी थ्री वन अपॉन थ्री परसेंट तो इजी है ना इसके बाद देखो इफ टू हंड्रेड फिफ्टी इज टू बी डिवाइडेड अमाउंट रवि राजू एंड रॉय सो धेट रवि गेट्स टू पार्ट्स टू हंड्रेड फिफ्टी में से टू पार्ट्स रवि को मिलता है राजू थ्री पार्ट्स राजू को थ्री एंड रॉय गिव फाइव पार्ट्स और रॉय को फाइव हाउ मच मनी विल ईच इट वॉट विल बी वॉट विल इट बी इन परसेंटेज तो इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है द पार्ट विच द थ्री बॉयस आर गेटिंग कैन बी राइटेन इन टर्म्स ऑफ रेशियोज टू इज़ टू थ्री इज टू फाइव तो पहले तो हम सभी का टोटल करेंगे टू प्लस थ्री प्लस फाइव इज टू कितना होता है टेन होता है ओके सो परसेंटेज ऑफ मनी पहले रिश्यू अमाउंट रिस्यूव बाय इच मतलब रवि राजू रॉय को कितनी अमाउंट मिलेगी तो रवि का है 2 upon टू अपॉन्ट थ्री टू पास है अपॉन टोटल है थ्री मल्टीप्लाई टू हंड्रेड फिफ्टी करेंगे सो so, कितना आता है यहाँ पे देखो टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई टेन या कट कर दो यहाँ पे तो आता है फ़िफ्टी रुपीज़ टू ज़ा करके कट भी कर सकते हो तो इसका फिफ्टी रुपीज़ या ज़ीरो ज़ीरो कट कर दो यहाँ पे टू अपॉइंट टेन मल्टीप्लाई टू हंड्रेड फिफ्टी का ज़ीरो ज़ीरो कट हो जाएगा ये ज़ीरो ज़ीरो कट ट्वेंटी फ़ाइव टू ज़ा फिफ्टी यहाँ भी ज़ीरो ज़ीरो कट ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव यहाँ भी ज़ीरो ज़ीरो कट हो जाएगा सो so, ट्वेंटी फाइव फाइजा वन ट्वेंटी फाइव अब उसका परसेंटेज में सो टू अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो जीरो कट करके ट्वेंटी परसेंट थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो ज़ीरो कट कर दो तो थर्टी परसेंट और फाइव अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड सो जीरो ज़ीरो कट कर दो फिफ्टी परसेंट तो ईजी है ना ये यहाँ पे जो दिस वाला है वो आपको ट्राई करना है इंक्रीज और decrease percent uh, there are times when we need to know the increase or decrease in a certain uh, quantity as percentage for example if the population of a state increase from 5 lakh 50 thousand to 6 lakh 5000 uh, then the increase in population can be understood better if we say the population increase by 10 percent तो यहाँ पे देखो फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड है और अब पॉपुलेशन वहाँ से कितनी इंक्रीज हो की हुई है सिक्स लाख फाइव थाउजेंड तो कितना परसेंट बढ़ी तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय टेन परसेंट हाउ डू वी कन्वर्ट द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल सिक्सटीन है अ स्कूल टीम वन सिक्स गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट फोर गेम्स वोंट लास्ट ईयर स्कूल टीम वॉन्ट सिक्स गेम विच दिस ईयर अगेंस्ट फोर गेम्स वॉन्ट लास्ट ईयर व्ट इज द पर्सेंट इंक्रीज तो उसमें कितना बड़ा बढ़ावा हुआ पर उसमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स और अमाउंट ऑफ चेंज मतलब सिक्स माइनस फोर करेंगे सिक्स गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट फोर गेम्स वॉन्ट लास्ट ईयर मतलब सिक्स माइनस फोर टू परसेंटेज इंक्रीज अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस मल्टीप्लाई हंड्रेड मतलब इंक्रीज़ कितनी हुई मैच दिस ईयर सिक्स है और लास्ट ईयर फोर थी टू इंक्रीज uh, हुई सो टू अपॉन लास्ट ईयर की ओरिजिनल है फोर मल्टीप्लाई हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड होता है सो so यहाँ पर कट करके ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी ऐसे आपके कट करके या टू मल्टीप्लाई हंड्रेड कर टू हंड्रेड डिवाइड फोर करके आपका आएगा फिफ्टी परसेंट उसके बाद देखो एग्जाम्पल सेवेंटीन द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम वन फिफ्टी लाख टू हंड्रेड लाख इन टेन ईयर्स यहाँ पे टेन ईयर्स में वन फिफ्टी लैक्स में से डिक्रीज हुआ है हंड्रेड लाख वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज तो इसका परसेंटेज कितना है ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इलिटरेटली इज इक्वल टू वन फिफ्टी लैक्स ओरिजिनल ये है अमाउंट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन तो डिफर चेंज कितना हुआ है वन फिफ्टी में से वन हंड्रेड हुआ है मतलब फिफ्टी लाख चेंज हुआ है थे फोर द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज डिक्रीज है उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है तो देर फोर द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज फिफ्टी लाख चेंज होगा ओरिजिनल अमाउंट कितनी है वन फिफ्टी है और मल्टीप्लाई हंड्रेड सो फिफ्टी अपॉन वन फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड ज़ीरो जीरो कट फाइव थ्री जा होगा अब हंड्रेड अप डिवाइड थ्री कर दो तो कितना आएगा थर्टी थ्री वन अपॉन थ्री परसेंटेज So, यहां भी ट्राई दिस वाला है वो आपको ट्राई करना है ओके उसके बाद है प्राइस रिलेटेड टू तो एंड आइटम और बाइंग एंड सेल बाइंग एंड सेलिंग आई बाउट इट फोर सिक्स हंड्रेड एंड वील सेल इट फोर सिक्स हंड्रेड टेन द बाइंग प्राइज ऑफ एनी आइटम इज नो एज इट्स कॉस्ट प्राइज इट इज़ ब्राइटेन इन शॉर्ट कोस्ट प्राइज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं शीपी द प्राइज एट विच यू सेल इज़ नो एज द सेलिंग प्राइस जिस प्राइज से आप सेल करते हो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस तो उसे शॉर्ट में एस पी लिखते हैं वोट वुड यू शे इज बेटर टू यू सेल द आइटम एट अ लोअर प्राइज सेम प्राइज और हायर प्राइज देन योर बाइंग प्राइज यू कैन डिजाइड वेदर द सेल वॉज़ प्रोफिटेबल और नोट डिपेंडिंग ऑन द कोस्ट प्राइज एंड सेलिंग प्राइज इफ सेलिंग प्राइज लेस देन सॉरी कोस्ट प्राइज लेस देन सेलिंग प्राइज मतलब सेलिंग प्राइज अगर ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सो so, प्रॉफ़िट होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस मतलब दोनों इक्वल है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी इफ़ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन एस पी सॉरी कोस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस मतलब अगर कोस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा लॉस होगा अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है प्रॉफ़िट होगा दोनों इक्वल है नो प्रॉफ़िट नो लॉस लेटेस्ट us टू इंटरप्रेट interpret the रिलेटेड टू to आइटम्स अ a toy फॉर सेवेंटी टू rupees is सोल्ड एट 80 rupees cost price है सेवेंटी टू सेलिंग is है so, to तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा कितना rupees ka का me में से सेवेंटी टू माइनस कर दो कितना आया वैसे ही अ टी शर्ट अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी इज सोल्ड एट हंड्रेड रुपीज़ कॉस्ट प्राइस वन ट्वेंटी है सोल्ड किया है हंड्रेड में सो so लॉस होगा कितना ट्वेंटी रुपीस का अ साइकिल बाउट फोर एट हंड्रेड इज सोल्ड फॉर नाइन हंड्रेड फोर्टी तो आपको इसका थर्ड वाला को आपको करना है ठीक है लेटेस्ट कंसिडर द फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का हमें दिखाया है कि कितना प्रॉफिट हुआ एट रुपीस नाउ ट्राई इंटरप्रेटिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन सिमिलर वे आपको ऐसे ही जो थर्ड वाला है और टू सेकंड वाला है वो आपको स्टेटमेंट करना है ओके और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके बच्चों थैंक यू